बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कर देगा बाकी सारे सैंडविचेस की छुट्टी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, एक पाव ले लें चिकन, एक पाव मतलब 250 ग्राम, उसमें डालें सॉल्ट जितना आपको डालना हो, सॉल्ट टू टेस्ट। हाफ टी स्पून आप डाल दें लाल मिर्चों का पाउडर, एक टी स्पून डाल दें धनिया पाउडर, और उसके अलावा आधा टी स्पून आप डाल दें इसमें गरम मसाला पाउडर, और पेपर पाउडर एक पिंच डाल दीजिए, और इसके अलावा डाल दीजिए आधा टी स्पून पेपरिका पाउडर। अच्छी तरह इसको मिला लीजिए। हम चिकन सैंडविचेस बना रहे हैं जो पिज़्ज़ा सैंडविचेस होंगे। तो मिलाने के बाद मुझे याद आया कि हाफ टी स्पून मुझे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना था, तो वो भी डाल के मिला लीजिए। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको रखेंगे साइड पे और कुछ सब्जियां काट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अनियन लिया है, उसके स्लाइसेस बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें अनियन डाला था, कैप्सिकम डाला था, और मैंने इसके अलावा डाला था मशरूम, तो वो भी डाल दीजिए अगर आपको ये नहीं डालना। कुछ लोग पाइनएप्पल बहुत शौक से डालते हैं पिज़्ज़ा में, तो वो डाल दीजिए क्योंकि हम पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रहे हैं। तो हर चीज़ पतला पतला काट लीजिए। तो चलें अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। एक पैन लीजिए और पैन में डालिए ऑलिव ऑयल या बटर। ज़्यादा बेहतर है कि आप बटर या ऑलिव ऑयल से बनाएं। अगर इनमें से नहीं है जो भी, तो जो सा भी ऑयल चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, जो मिक्स करके रखी थी, अब हम उसको फ्राई करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी डालते जाइए, फ्राई करते जाइए। आँच को मीडियम रखिए ताकि कुछ जल ना जाए और सब कुछ अंदर से अच्छी तरह पक भी जाए। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने चिकन के पीसेस ज़रा पतले पतले रखे थे ताकि ये मैरिनेशन भी, मतलब इसमें मसाला भी अच्छी तरह कोट हो जाए और उसको पकाना भी आसान हो। और इसी तरह उलट पलट के और थोड़ा सा ढांक ढूंढ के आप इसको पका लीजिए। 4-5 मिनट में चिकन तो रेडी हो जाती है। उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा आपने ये बना लिया ना ये वाला सैंडविच, तो यकीन माने बच्चे या बड़े भी कोई भी और सैंडविच नहीं पसंद करेंगे, हर एक यही सैंडविच बनाने की ख्वाहिश करेगा। हमने पका लिया है, हमारी चिकन कम्प्लीटली डन हो चुकी है। मैंने चेक कर लिया था, एक को थोड़ा सा दबा के अंदर तक पक चुका। अब इसे निकाल कर साइड रख दीजिए। अब इसी पैन में दोबारा से हम पकाएंगे। तो आप डालिए थोड़ा सा ऑयल अगेन, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला था, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी नॉन स्टिक पैन जो होता है ना, उसको बगैर ऑयल के भी आप पका सकते हैं, मतलब उसमें बहुत ही कम ऑयल डालना पड़ता है और बहुत हेल्दी होता है ना इस तरह पकाना। अच्छा, मैंने इन वेजिटेबल्स को डाला तो मैंने नोट किया कुछ चिपके रह गए थे, उनको मैंने अलग किया। पिंच ऑफ सॉल्ट पेपर डाला ताकि इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। हाँ, सब्जियों को तो आपको पता है, बस एक मिनट ही हिलाओ मिलाओ तो ये तैयार हो जाते हैं। बस इनको निकाल लीजिए। अब हम पैन को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अब हमें बनाना है अपना सैंडविचेस। तो ये जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई किए थे, इनको ना थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए ताकि जब हम सैंडविचेस बनाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, अपनी मर्ज़ी के साइज़ में तोड़ लीजिए। कुछ लोग पूरा भी डाल लेंगे, लेकिन मुझे बंस में तो पूरा पूरा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप टोस्ट के सैंडविच बनाते हैं तो उसमें इतना बड़ा बड़ा पीस अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने थोड़े से श्रेडेड चीज़ लिए, थोड़े ज़्यादा सही, और यहाँ पर मैं मल्टीग्रेन टोस्ट यूज़ कर रही हूँ जो ब्राउन है। आप अपनी मर्ज़ी के ब्राउन टोस्ट भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं। कॉर्नर्स निकाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मैं दोनों टोस्ट के ना एक एक साइड पर बटर लगा रही हूँ क्योंकि हमें जिस तरह पकाना है तो एक एक साइड पे लगाना ज़रूरी है। अब मैंने पहले टोस्ट पे जहाँ बटर लगा था उसके ऊपर ही पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ और इसको फैला दें, ठीक है। तो ये एक टोस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसको नीचे रखेंगे, इसके ऊपर सब हम टॉप ऑफ करेंगे। जो हमने सब्जियाँ बनाई थी, जो हमने चिकन पकाया था, वो सब डाल के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना डालना है उसको टॉप ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, जो चिकन हमने काट कर रखा था ना, यानी तोड़ कर रखा था, तो वो डालना ज़्यादा आसान होता है। अब ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, आप अपनी मर्ज़ी से और ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ चिली फ्लेक्स डाला था। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ जो हमने श्रेडेड चीज़ कट करके रखा था, यानी श्रेड करके रखा था, वो डाल रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना मैं यहाँ पर चीज़ स्लाइस भी रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी। तो हम ये ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ रखते हैं। अब देख लीजिए, एक सर्फ हमने लगाया है बटर, तो जिस तरफ आपने बटर लगाया है वो ऊपर रखिए और जो सूखा हुआ हिस्सा है वो नीचे रख दीजिए। अब हम पैन को ग्लेज करेंगे बटर से। आपके पास अगर बटर ना हो तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, तो उसे ग्लेज करें और जिस साइड पे बटर नहीं लगा वो पहले रख दीजिए। ढक कर भी पकाएं ताकि थोड़ा सा ये चिपक जाए और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सा टेस्ट और फीलिंग आने लगे ना।
हमारी एक साइड मीडियम आंच पर डन हो चुकी है। अब इसको मैंने पलट दिया है और पीछे तो बटर लगा था इसलिए मैं दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए ये तैयार हो चुका है दोनों तरफ से, अंदर चीज़ भी मेल्ट हो गया। हम इसे निकाल लेते हैं, कट कीजिए और ये देखिए इसका लुक है ना मज़े की चीज़। तो फिर बनूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।